ये बहुत ही पवित्र कार्यक्रम आज आपने किया। 17 तारीख से लगातार हम लोग सारे देश के अंदर हर रोज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनकी पवित्र स्मृति को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने सारे जीवन को सेवा भाव से, पूरे निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए समर्पित किया, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम सब जानते हैं कि 15-16 अगस्त को श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। जिस प्रकार का प्रेम उन्होंने हमें दिया, जिस प्रकार का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया, जिस प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने देश और दुनिया के लोगों के लिए अपनी कार्यशैली और कार्यप्रणाली से प्रस्तुत किए, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। ये जो पूरा सप्ताह है, हम जैसा मैंने कहा कि सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हेल्थ के जो विभिन्न आयाम हैं उनकी सुविधा निःशुल्क समाज के लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के बाद अभी आज ये 5वां इस सप्ताह का कैंप है, और इसके बाद आज ही 6ठा कैंप हमारा अभी पुरानी दिल्ली में सीताराम बाज़ार के पास लगा हुआ है, जहां हम लोग, मैं इसके बाद जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहां बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी संस्थाओं ने, यहां की फेडरेशन ने, यहां राजस्थान क्लब ने और दूसरी बहुत सारी संस्थाओं ने इसके अंदर अपना योगदान दिया है। रेखा जी और इनके साथ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम के अंदर जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर एक और जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है, जो कि वो 23 तारीख को पूरे भारत में लॉन्च करने वाले हैं, अब से सिर्फ 2 दिन के बाद। और उस कार्यक्रम का नाम है आयुष्मान भारत। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग, उनको अस्पताल में जाने पर कितनी तकलीफ होती है। पहले तो काम धंधा छोड़कर अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, फिर सारा दिन लगने के बाद भी कभी कभी दवाई भी नहीं मिलती है, 10 जांच और कराने के लिए कहा जाता है, उसके लिए फिर तारीख लेनी पड़ती है, और कुल मिला के बहुत सारा कुछ खोने के बाद उनका इलाज शुरू हो पाता है। प्राइवेट में जाने पर इतने पैसे चाहिए जेब में, जो साधारणतः उनके पास होते नहीं, और इसके कारण देश के 10 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा कार्यक्रम आयुष्मान भारत लॉन्च किया है, जिसमें हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए सालाना का इलाज, उसकी सारे के सारे खर्चे जो है वो सरकार वहन करेगी। और जैसा मैंने कहा कि ये कार्यक्रम खाली भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इतना बड़ा कोई हेल्थ का और इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों की सरकार के द्वारा मदद करने का कोई दुनिया के अंदर कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम की भी परसों से शुरुआत होगी, और हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब लोगों को उस योजना का निश्चित रूप से लाभ मिले। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज फाउंडेशन की मदद के लिए जितनी भी संस्थाएं आई हैं, जितने भी डॉक्टर आए हैं, जितने भी फार्मेसिस्ट आए हैं, और विभिन्न दूसरी पैथियों के भी, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, एक्यूपंक्चर के, और बहुत तरह के मैंने देखा कि अंदर डॉक्टर और मेडिकल फील्ड के लोग, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल, बहुत सारी, कोई इनफर्टिलिटी का स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई ENT के स्पेशलिस्ट है, ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उन सबको भी हृदय की बधाइयों, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और
जितने भी लोग मंच पर मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ सबका। मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ आपके इस योगदान के लिए, और विशेषकर रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सब सहयोगियों के साथ उन्होंने एक सफल कार्यक्रम किया है। धन्यवाद।